हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो के देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है आपका, सेशन 21-23 का, समझे। देखिए, इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी वाले देख लीजिए, बिहार यूनिवर्सिटी, मौलाना यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी और आपका पटना यूनिवर्सिटी, ये सब का सिलेबस सेम है। आप सिलेबस भी उलट कर देखिएगा तो सब कंटेंट आपको सिलेबस में सेम ही मिलेगा। जितना उसमें पढ़ना है बिहार यूनिवर्सिटी में, उतना पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ना, समझे। पटना यूनिवर्सिटी में कोर्स वन का एग्ज़ाम हुआ कल, तो देखिए एग्ज़ाम हुआ आपका C1 का, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग आपका। क्वेश्चन देख लीजिए, अभी तो बिहार यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है, लेकिन कोर्स 2, 3, 4 का हुआ है, 5 का भी हुआ है, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन मतलब दे रहा है, मतलब सिलेबस देखिए। पटना यूनिवर्सिटी का कोर्स 2, 3, 4 का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसका भी हम डालेंगे, समझे। फिर उसके बाद हम बिहार यूनिवर्सिटी का तो एग्ज़ाम होगा बताएंगे। देखिए कैसा क्वेश्चन सेट करता है, पटना यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जो सिलेबस पर रहेगा वही ना आप क्वेश्चन बनाइएगा। देख लीजिए जो लोग बिहार यूनिवर्सिटी से है, कि देखिए जो लोग पढ़े होंगे C1 में या वेस्ट क्वेश्चन होगा या सिलेबस में जो होगा वही आया होगा, समझे। तो देखिए आपका 2022 का है, कल एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ देते हैं, कि पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थों का चर्चा कर। देखिए पियाजे आपका सिलेबस में यूनिट 1 में होगा, आप लोग देख लीजिएगा, पियाजे को हलवर इरिक्शन पढ़ना है, समझे, तो पियाजे आपके में होगा, समझे। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए बाल्यावस्था भी यूनिट 1 में पढ़ना है, कि बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल है, इस काल के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, समझे। ये भी आपके बुक में, सॉरी सिलेबस में होगा, समझे। तो सिलेबस के अनुसार एक क्वेश्चन होगा, कि बिहार यूनिवर्सिटी के जैसा नहीं, कि जो अब देखिए, अब सामाजिकरण आपका पढ़ना है C1 में पढ़ना है, समझे, और C2 में क्वेश्चन दे दिया था, तो पता नहीं कथित करके क्वेश्चन सेट करता है, कहाँ के आदमी सेट करता है, सिलेबस उसको मालूम है कि नहीं मालूम है, जैसे मन तैसे क्वेश्चन मतलब कर देता है, समझे। अब यूनिट 2 में आइए, यूनिट 2 में आपका किशोरावस्था पूरा पढ़ना है, समझे। देखिए किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। आप देख लीजिए, किशोरावस्था मिल जाएगा, विशेषता भी मिल जाएगा, और ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, किशोरों की समस्या के निराकरण में अध्यापक एवं परिवार की भूमिका, ये भी आपको मिल जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हुआ, कि आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो गया। यूनिट 3 में आपका समाजीकरण पढ़ा, देखिए इसमें समाजीकरण दिया होगा। क्वेश्चन है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में पड़ोस एवं धार्मिक समूहों के संदर्भ, देखिए समाजीकरण में ये दोनों को भूमिका आप देख लीजिए, सिलेबस में भी आपका धार्मिक और पड़ोस होगा, समझे। अब परिवार के बारे में तो समाजीकरण बहुत है, कि प्राथमिक संस्था के रूप में होता है, तो ये परिवार एक सामाजिक संस्था है, व्याख्या करें, समझे। ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब क्वेश्चन, समझे। यूनिट 5 में आपका पहचान निर्माण पढ़ना है, तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता से क्या, सॉरी यूनिट 4 में आपका इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ना है, और उसमें लर्नर सब के बारे में पढ़ना है, कि धीमी गति से प्रतिभाशाली ये सब, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता से आपका क्या अभिप्राय है, इसके स्वरूप का वर्णन करें, समझे। तो इंडिविजुअल डिफरेंस भी आपका आ गया, और मंद गति, देखिए स्लो लर्नर भी बोले हैं कि आप लोग को पढ़ना है, तो देखिए मंद अधिगमकर्ता से आप कौन है, मंद अधिगमकर्ता के लिए शिक्षण नीतियों का वर्णन करें, समझे, ये भी आपका आ गया। फिर यूनिट 5 में आपका पहचान निर्माण, आइडेंटिटी लर्नर आइडेंटिटी पढ़ना है, तो ये डिस्कस द हिंदी में पढ़ देते हैं, कि शिक्षार्थी के पहचान निर्माण में मीडिया प्रौद्योगिकी एवं समन्वय समूह के प्रभाव की व्याख्या करें। और 10वां है कि शिक्षार्थी के पहचान निर्माण में विद्यालय की भूमिका को वर्णन करें। तो ये हुआ आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, जो आपका सिलेबस है वही क्वेश्चन हुआ, समझे। तो ऐसे देगा तब ना, अब देगा कुछ होगा, कोर्स 2 का क्वेश्चन कोर्स 1 में डाल देगा, कोर्स 2 में कोर्स, ये बिहार यूनिवर्सिटी के पता ही नहीं चलता है, एक तो 10 दिन में एग्जाम लेता है, क्वेश्चन कौन सेट करता है पता ही नहीं चलता है, पैटर्न के अनुसार इसका भी C2 का क्वेश्चन हम बताएंगे, कल एग्जाम है, समझे। तब देखिएगा कैसा क्वेश्चन आया, तब देखिएगा कैसा पागल यूनिवर्सिटी है बिहार यूनिवर्सिटी, एक पैटर्न से ना क्वेश्चन पूछिएगा। 10 दिन तो समय देते हैं, ऐसे भी कॉलेज समय पढ़ाई तो होता नहीं है, और एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा लड़कों से कुछ पता नहीं चल रहा है, ये चीज़ अच्छा नहीं है, समझे। एक पैटर्न से आप क्वेश्चन पूछिए, समझे। थैंक यू।